बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बेस्ट एंड सिंपल कुकिंग सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं केक सैंडविचेस, बहुत ही ईजिली बनते हैं। टी केक की फॉर्म में हम बनाएंगे क्रीमी सैंडविचेस। सो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे वेजिटेबल ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल जो आपके पास है। ये 1/3 कप है, मेजरिंग कप के लिहाज से ये वाला 1/3 कप लिया है हमने। इसके अंदर हम ऐड करेंगे शुगर पाउडर, चीनी, पिसी हुई चीनी, ये मेरे पास 1 कप है, मेजरिंग कप, ये वाला बड़ा फुल एक साइज का कप। ये हम डालेंगे चीनी और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। विदाउट ओवन एंड बीटर बना रहे हैं हम। 3 से 4 मिनट के अंदर अच्छे से ये बीट हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी चीनी। चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी हुई है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे तोड़ेंगे और उसे हम 5 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे एक ही डायरेक्शन में। सॉफ्ट क्रीमी केक बनाने के लिए इसमें इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। इस तरह हम तीनों अंडे के साथ एक एक दफ़ा डालेंगे। टोटल मैंने लिया है मैदा 1.5 कप, 1.5 कप लिया है मैदा, उसी के अंदर से हम यूज़ कर रहे हैं। एक अंडे को अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है, इस तरह हम दूसरा अंडा ऐड करेंगे और साथ हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा और उसे भी 3 से 4 मिनट एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसी तरह हम तीसरा ऐड कर लेंगे। अंडे अंदर अच्छे से मिक्स हो चुके हुए हैं, इनको हम साइड पे करेंगे और हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। ये मैदा है 1.5 कप जो लिया था, उसके अंदर से 3 चम्मच हमने यूज़ किए हैं। ये सारे कुछ स्टेंड है, छान लिया था मैंने। इसके अंदर ऐड करेंगे कोको पाउडर 1/2 कप, 1/2 कप। साथ ही हम अंदर ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, ये हम यहाँ यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ड्राई इन्ग्रीडियंट को। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है, अब हम डालेंगे वनीला एसेंस ये अंडे वाले मिक्सचर के अंदर। फ्यू ड्रॉप्स हम ऐड करेंगे, 3 to 4 ड्रॉप्स, 3 to 4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी खुशबू के लिए और ये ऑप्शनल है। अब हम ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट वाले मिक्सचर 1/2 करके 2 पोर्शंस के अंदर। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ हम अपना पैन प्री हीट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए अच्छे से हाफ मिक्सर अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है, अब हम बाकी का बचा हुआ डाल देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सर ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है, कितना क्रीमी सा बना है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे मिल्क, दूध, ये मैंने लिया है 1/2 कप दूध, ये ऐड करेंगे इसको सॉफ्ट बनाने के लिए। सब कुछ मैंने यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर लिया है। इसके बाद हम इस पैन के अंदर इसे शिफ्ट कर देंगे। मिक्सचर हमारा अच्छे से रेडी हो चुका हुआ है, ये देखिए कितना फ्लफी और क्रीमी सा बना है। इसे हम दूसरे पैन में शिफ्ट करेंगे, बेकिंग पैन में। यहाँ पे मैंने लिया है बेकिंग पैन, इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल से ग्रीस करेंगे इस तरह। ऊपर बटर पेपर लगा लेंगे, अगर बटर पेपर आपके पास अवेलेबल ना हो तो इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह ऑयल लगा के मैदा छिड़क लेंगे। ये देखिए मैंने लगा लिया ऑयल, कुकिंग ऑयल, ऊपर हम बटर पेपर लगा देंगे और उसको भी हम इस तरह ग्रीस कर लेंगे। बैटर हमने दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर लिया हुआ है और जो हमारा पैन था वो भी अच्छे से प्री हीट हो चुका हुआ है। मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट होना रखा था लो फ्लेम पे। ये मैंने एक बर्तन लिया है, इसके ऊपर हमने बेकिंग स्टैंड रख दिया है, ऊपर हम ये रख देंगे और इसे अब हम बेक करेंगे कवर करके 35 to 40 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम, बिल्कुल लो से थोड़ी सी ज़्यादा, फुल मीडियम फ्लेम पर नहीं। लो फ्लेम पर इसे प्री हीट किया था 10 मिनट के लिए, 40 मिनट्स हो चुके हुए हैं। केक हमारा रेडी हो चुका हुआ है, ये देखें अच्छे से बेक हो गया हुआ है। इसे हम निकाल लेंगे और ठंडा होने का वेट करेंगे। केक ठंडा हो रहा है, ये लिया है मैंने 100 ml मलाई, होममेड मलाई। इसके अंदर हम ऐड करेंगे शक्कर, चीनी, पिसी हुई चीनी मैंने ऐड किया 1 टेबलस्पून। आप अपने रिक्वायर्ड अमाउंट के लिए हाथ से ऐड कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद हो। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसे हम केक के ऊपर लगा लेंगे। कर ली हुई है, अब हम केक कट करेंगे। सबसे पहले इसका हम बटर पेपर रिमूव करेंगे। अच्छे से ठंडा हो चुका है केक भी, अब ऊपर से इसे हम सेट करेंगे। इसका जो मोटा साइड है वो कट कर लेंगे। केक के पीसेस कट कर लिए हुए हैं। ये जो हमने मिक्सचर लिया था मलाई और चीनी का, इसको हम स्प्रेड करेंगे जितना आपको रिक्वायर्ड अमाउंट हो, ओवरफ्लो नहीं करेंगे। इस तरह हम लगा लेंगे तीनों पीसेस पे। केक की लेयर्स सेट कर लिए हुए हैं, 3 लेयर्स बना ली हैं। इसके हम पहले सैंडविचेस शेप देंगे। इस तरह हम सेंटर से कट करके 3 पीसेस बना लेंगे इक्वल साइज़ के। इसके हम एजेस कट करेंगे और जो हमारे पास एक्स्ट्रा मलाई है वो इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे अच्छे से
ये देखिए ये हमने एजेस कट कर लिए, स्लाइसेस में हम इसे कट कर रहे हैं। ये देखें ट्रिपल लेयर सैंडविच रेडी हो चुके हैं, टी केक सैंडविचेस रेडी हो चुके हुए हैं। ये जो एक्स्ट्रा मलाई थी ये ऊपर हम लगाएंगे, ऑप्शनल है। और ये देखें सैंडविचेस रेडी, इसे अब हम रखेंगे फ्रीज़र में आधा घंटे के लिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिपल लेयर सैंडविचेस हमारे रेडी हो चुके हैं, केक सैंडविचेस। ये देखें कितने अच्छे बने हैं, बहुत ज़्यादा बने हैं। इनको अब हम कट करते हैं, बहुत सॉफ्ट बने हैं। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट बने और फुल क्रीमी। सो गाइज अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।